सो गाइज, तो अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से काफ़ी मस्त प्रीमियम पोस्टर जो है फ्री में बनाना चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, तो इजीली ही इस वीडियो के देखने के बाद बना सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो को आप अच्छा से देखिएगा, आप बिल्कुल फ्री में ही बना सकते हो। कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाए हो फिर भी, क्योंकि गाइज इस भी पोस्टर का मैं आपको ऑल मटेरियल दे दूंगा। आप नहीं बनाने आता तो नाम फोटो भी चेंज कर सकते हो एंड पूरा फुल एडिट भी कर सकते हो। सो गाइज, तो यहाँ पे नाम फोटो एडिट करने के लिए आपको पिक्सआर्ट या फिर किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हो, बट पूरा फुल एडिट करना है तो पिक्चर लब एरा एप्लीकेशन, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद देख सकते गाइज इसमें मैं पहले से बना करके रखा हूँ, जो कि यहाँ पर काफ़ी मस्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कट करता हूँ एंड गाइज बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आपका भी पिक्चर लब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। एंड गाइज इस पिक्चर लब में आप अगर पूरा फुल एडिट करना चाहते हो तो हम एक PLP फाइल देंगे एंड PNG बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ दे देते हैं, तो चाहो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, तो वो सब मटेरियल आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि एक ही जिप फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही फर्स्ट नंबर पर लिंक है जिप फाइल डाउनलोड के, तो उस पर क्लिक करके आपको जो है जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है एंड गाइस जिप फाइल को ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो आपके भी फोन में इस तरह से फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। सो गाइस, जहाँ पे कभी बैनर पोस्टर नहीं बना तो दो यहाँ पे ब्लैंक पोस्टर दे देंगे जो कि काफ़ी HD में रहेगा। यहाँ पे फोटो नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी तरह के इंट्रो भी लगा सकते हो, दो यहाँ पे ब्लैंक पोस्टर दे देते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे पूरा फुल एडिट करने के लिए रहा PLP फाइल। अगर PLP फाइल के बारे में नहीं कुछ जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी देखकर ऐड वगैरह करना सीख सकते हो, या फिर PNG बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हो। तो गाइज फोटो नाम लगाना ये सब तो काफ़ी जरा था, कोई सा भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो, इसलिए बोलते हैं कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब ताकि रोज कुछ ना कुछ नया सीखो और बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है ना, दो चार वीडियो देखोगे तो। सो गाइज, जहाँ से हम पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अब गाइज इस एप्लीकेशन में PNG बैकग्राउंड लो या फिर PLP फाइल, तो हम PLP फाइल ले लेते हैं। PLP फाइल लेने के लिए यहाँ पे ऊपर 3 डॉट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन डॉट PLP फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे गाइज मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, आपको ऐड करना होगा इस तरह से। मैं इस पर क्लिक करके और बैक बटन से बैक कर दूंगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुका है। अब गाइज इसमें आप जो भी चेंज वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये भी PNG वगैरह है, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है हमने इसको टेक्स्ट PNG बना दिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का फोन में ये सब फोन सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्मल में आ जाता है, इसलिए हम इसको PNG बनाए। सो गाइज, ये टेक्निकल PTS का अगर पिक्चर है आप डाउनलोड की हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे नीचे वाला ये सब फॉन्ट है जो कि 24 नंबर का फॉन्ट है, ठीक है ना। और ये जो है ये भी 35 नंबर वाला फॉन्ट है, ये भी 35 नंबर वाला फॉन्ट है, ठीक है ना। और ये जो है कुरुतिदेव का फॉन्ट, हमने यहाँ पे दो यूज किए हैं, जो भी मतलब एक ही फॉन्ट है, दो टेक्स्ट यहाँ पे हम यूज किए। तो इसमें अगर आप कि जयंती पर सादर नमन के जगह सशस्त नमन भी लिखना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करना है ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो यूनिकोड वगैरह निकाल सकते हो इंडियन फोन कन्वर्टर एप्लीकेशन से, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में बताते रहता हूँ। सो गाइस, ये सब बिल्कुल फ्री में देंगे, तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा अच्छा सा कॉमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर भी फोटो है, इस भी फोटो को चेंज वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, फिर रहने देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो। ये हमने यंग फोटो लगाए हैं, ठीक है ना, काफ़ी HD में है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पे नाम अपना चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे नीचे और भी कुछ लिखना चाहते हो तो इस शेप के ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारा जगह आ जाएगी। सो गाइज यहाँ पे बता दे कि जी फल का पासवर्ड भी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। तो गाइज यहाँ पे इस तरह से शेप को जब ऊपर करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा जगह भी मिल जाएगी, तो आप नीचे और भी कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एंड यहाँ पर नाम भी सिर्फ रखना चाहते हो, इसको नीचे करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और भी टेक्स्ट लिखने के लिए आपको स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर देना है और प्लस वाले आइकन पर न्यू टेक्स्ट लेकर, और इसमें आप कलर फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ऐसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। और व्हाट्सअप नंबर इसके एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट करके आप अपना लिखकर ओके करोगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी लिखा है यहाँ पर अपना यूजर नेम भी लिख सकते हो, तो इस तरह से टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भारत रत्न का हमने PNG भी लगा दिया, जो कि देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पे जो पवन सिंह का फोटो है, यहाँ पे अपना फोटो लगाना चाहते हो, इस फोटो को सेलेक्ट करना है एंड गाइज यहाँ डिलीट ऑप्शन से ओके करके डिलीट कर देना है। अब अपने गैलरी में जाना है, गैलरी में जाने के लिए यहाँ पे बीच में इस ऑप्शन वाले बीच में गोले जैसे जो ऑप्शन बना है इस पर क्लिक कर देना है, इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से आप अपने गैलरी में चले। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके गैलरी में इस तरह से आ जाओगे। सो गाइज अपना फोटो जो भी PNG रखे हो ना उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है,
फिलहाल मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ जो कि PNG में पहले से बना करके रखा हूँ। अगर अपना फ़ोटो को PNG बनाने नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो देखकर सीख सकते हो। फिलहाल मैं इस तरह से लेकर सही करेंगे एंड इस तरह से आपको साइज वगैरह एडजस्ट करना है, यहाँ पर ले कर रख देना है एंड इसको स्क्रॉल करके आगे जाना है, टू बैक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस तरह से फोटो को बैक में भेज सकते हो। और भी बड़ा करना चाहते हो हल्का से ऊपर करके, इस तरह से आप यहाँ पर काफ़ी मस्त से एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी मस्त पोस्टर है गाइज। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, प्यारा सा अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा, इस शेप को भी बैक में इस तरह से भेज सकते हो ताकि काफ़ी मस्त से इस तरह से लगने लगेगा। इसको HD में सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करके नीचे अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे एंड सेव टू गैलरी में जैसे क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो चलिए आज मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट।